हरे कृष्ण। हनुमान जी को प्रभु राम ने बहुत सुंदर रूप से बहुत दीर्घ समय तक आलिंगन दिया और आलिंगन छूटने के बाद में देन राम इज लाइक फिर से हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, सीता देवी ने एक महीने का अल्टीमेटम दिया है, तो उसमें से भी 3 दिन बीत चुके हैं, हमारे पास केवल 27 दिन हैं। अगर 27 दिन में हम सीता मैया को नहीं छुड़ाएंगे तो सीता मैया अपना अहित कर लेंगे। सो जैसे ही प्रभु राम ने ये सुना, प्रभु राम वॉज लाइक चार्ज्ड, वो खड़े हो गए और वो ऐसे घूरती नजरों से दक्षिण दिशा की ओर देखने लगे। जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर ऐसे खड़े होकर के प्रभु राम ने देखा, सुग्रीव ने बहुत जोर से चीत्कार लगाया, दक्षिण कूच। जैसे ही दक्षिण कूच बोला, सारी वानर सेना जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और जो कहीं नहीं गए थे, वो सब के सब एकत्रित थे प्रभु राम के सामने। सारे जैसे भूमंडल को थर्राते हुए जैसे डुम 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 चल रहे, पूरी पृथ्वी डोल रही है, पूरी गर्जना के साथ आह्लाद के साथ प्रभु राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने की पूरी भरसक स्वेच्छा के साथ सारी वानर सेना दक्षिण को पूछ करती है। हम देखते हैं अब से जो अब यहां सुंतर कांड समाप्त हो, अब बचे दिन 27। इन 27 दिनों के लास्ट के 10 दिन में, लास्ट के जो 10-11 दिन, मतलब सीता मैया अगले दिन अपने प्राणों को छोड़ने वाली है, प्रभु रामचंद्र होते हैं पिछले दिन रेस्क्यू करते हैं, सो 11 दिन, सो अब 16 दिन में पार्टी पहुंचेगी, 3 दिन प्रभु राम सिंधु का ये करेंगे, सो अब 16 दिन बच गए। इन 16 दिनों में क्या क्या होगा, प्रभु राम सिंधु के तट पर 3 दिन तक पंथ मांगेंगे, 5 दिन में वो ब्रिज बनेगा, यस, सो यहाँ पर 8 दिन बीत गए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए 2-3 दिन, और वहाँ से फिर पूरा शुरू करने, फिर विभीषण की शरणागति, ये सब है, तो ये सब होता है 16 दिन में, 10 दिन तक युद्ध खत्म होता है, ऐसे 26 दिन बीत जाते हैं, लास्ट दिन पे प्रभु राम आकर के सीता मैया को बचाते हैं। हम देखते हैं सुंदर कांड इज ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशल इन मेनी वेज, यस, द फर्स्ट इज ही सुंदर कांड में न प्रभु राम की सुंदरता का वर्णन है, न सीता की सुंदरता का वर्णन है, हनुमान की सुंदरता का वर्णन है, और हनुमान एक वानर है, फ्रॉम अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू वानर के अंदर क्या सुंदरता होती है, लेकिन हनुमान रूपी वानर प्रभु राम और सीता मैया के प्रति अपनी शरणागति से सुंदरता प्राप्त करते हैं, दिस इज द एसेंस ऑफ सुंदरकांड। दूसरा, हनुमान जी एक गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीव और भगवान को मिला भी है। पिछले एपिसोड में हमने सुना था किस प्रकार से सीता गुरु का कार्य करती है और वो आश्वासन और आशीर्वाद देती है हनुमान को कि मे लॉर्ड राम ऑलवेज लव यू। यहाँ पर हम रोल्स रिवर्स देख रहे हैं कि सीता एक जीव के जैसी है जो प्रभु राम से विमुख हो गई है माया हिरण के पीछे भागने के कारण, पर उनको यूनाइट करने का काम हनुमान करता है, सो ही एक्चुअली एक गुरु। सो इन सुंदरकांड वी सी हनुमान एंड सीता एक्ट लाइक गुरु ऑल्सो एंड डिसिपल्स। तीसरा, हम देखते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर राम दूत से राम दास बन जाते हैं, और वो कैसे होता है, सीता मैया के आशीर्वाद के कारण। सो सीता ट्रांसफॉर्म्स राम दूत हनुमान टू राम दास हनुमान। फिर हम देखते हैं किष्किंधा कांड में सीता मैया की पवित्रता, उनके पातिव्रत्य और उनके प्रभु राम के प्रति पूर्ण समर्पण की यशोगाथा लिखी है। ये इतनी महान है कि वाल्मीकि मुनि रामायण को सीतायण भी कहते हैं, कि सीता जहां पर गई वो है सीतायण, या फिर वाल्मीकि मुनि से सीतायाः चरितम महत्, सीता मैया का महान चरित्र ऐसे भी कहते हैं, ये सुंदरकांड में आता है। और हम देखते हैं किस प्रकार से सुंदरकांड जो है
वो ऐसा है कि इसके अंदर ही सारे कांड है, क्योंकि जब हनुमान सीता मैया को प्रभु राम के बारे में बताते हैं, अपना आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, तो राइट फ्रॉम लॉर्ड राम्स बर्थ और दशरथ महाराज ने किया वो पुत्रष्टि यज्ञ, वहां से लेकर के सीता मैया के अपहरण तक की सारी कथा वो सीता को बताते हैं, तो सुंदरकांड हैज ऑल द अदर प्रीवियस कांडस इन इट। सो जस्ट द चैंटिंग ऑफ सुंदरकांड इज इक्विवेलेंट टू चैंटिंग द एंटायर रामायण माइनस युद्धकांड। और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से सुंदरकांड में एक साधक की जो यात्रा है भक्त बनने की वो बताई गई है। सो हनुमान जी वो साधक हैं जो सेतुबंध से लेकर लंका तक जाते हैं, और लंका में पहुंचने से पहले उन्हें जो चार विघ्न आते हैं, एक तो है मैनाक पर्वत, दूसरा है सिंहिका, तीसरा सुरसा और चौथा लंकिनी। ये अलग अलग भक्त के जीवन के प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं, सटल एंड ग्रॉस, और उनके ऊपर पार करके ही भक्त प्रभु राम का दास बन सकता है। सो इन ऑल दीज वेज सुंदरकांड इज मोस्ट ग्लोरियस। कल से हम युद्ध कांड रामायण के आखिरी कांड पर चर्चा शुरू करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अरे